कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए। और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नौ चयनित आईएएस, जो लड़के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में, या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में, या विकास प्राधिकरणों के वहां पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं, वे लोग वहां पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जुड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। या जो पीसीएस में या पीपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ वे लोग इसको कर रहे हैं। आईआईटी जेई से या नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसके बाद अपनी सर्विस में आ चुके हैं, जनपदों में तैनात हैं, वे लोग वहां पे मार्गदर्शन करते हैं। और अच्छे हम लोगों ने विशेषज्ञ भी अलग अलग जनपदों में विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, अन्य जगहों से लिए। फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। और ये जनपद के अंदर सभी 75 जनपदों के अंदर प्रथम चरण में इसको और स्ट्रेंथन करना, इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करना। हर कार्य में कुछ ना कुछ नए सुधार की गुंजाइश रहती है और इस नए सुधार को और आगे बढ़ा देना, अच्छा बना देना। क्योंकि कोचिंग तो एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है। शेष मेहनत तो छात्र के स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वह स्वयं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो परिणाम अवश्य सामने आएगा। और वह गाइडेंस का काम उस क्षेत्र से, उस रास्ते से निकले हुए लोग स्वयं कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। और वे लोग जब उस संस्थान के साथ जुड़ करके, वे अधिकारी या वे सभी विषय विशेषज्ञ इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, इस बार का यूपीएससी का जो परिणाम है वह उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, बताता है कैसे इन संस्थानों ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को हमें बनाए रखना होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना होगा।